हम लोग एक्चुअली ब्रिज के उस पार थे क्योंकि आपने जिक्र किया, मेरा पॉइंट ये था क्योंकि मैं भी ब्रिज के उस पार के लिए मशीन खरीदी गई उन रोड्स जो वो जो मशीन आई तो कराची पोर्ट पे लैंड की, तो ये आया हुकुम कि इन मशीन्स को टेस्ट करने के लिए एक सैंपल रोड्स बना ली जाए, तो ये दो रोड्स बनाई गई। काफी तकरीबन सारे कॉन्टिनेंट्स देखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, सारी पूरा हमने ट्रैवल किया। मम्मी सकते नहीं, मम्मी अगर सुनेंगी तो बहुत डांट पड़ेगी। सो तो मैंने एक लाइफ का बड़ा हिस्सा उनके साथ ही स्पेंड किया, तो आई थिंक द वे ही हैज ग्रूम्ड मी, जिसका वो क्रेडिट लेते हैं ऑल द टाइम, बिल्कुल लेते हैं, हर वक्त लेते हैं, और जिस तरह से मैं उनके साथ रह के मैच्योर हुई हूँ, मेरी थिंकिंग मैच्योर हुई है। फिर मैंने एक दिन हिम्मत की और अपने ड्राइवर से कहा कि चलो साइकिल लगाओ पीछे और हम अब चलते हैं। लोकल कॉम्पिटिशन्स बहुत हुए, उसमें विन भी किए, रनर अप भी रही, यू नो पोडियम की पोडियम पे भी रही। हैदराबाद से वापस आए थे। वाओ व्यूअर्स, सलाम है इन पे, हैदराबाद पे साइकिल पे। अस्सलाम वालेकुम, वो बात है टीवी चैनल से नवीद फारूकी का आदाब। आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ आपके साथ यहाँ मौजूद एक नई पॉडकास्ट सीरीज के साथ जिसका नाम है जेन एक्स टू जेन जी। जैसा कि मैंने जिक्र किया था, आपने टीजर और ट्रेलर में देखा होगा, ये एक सीरीज है अबाउट द जर्नी ऑफ द पीपल, अबाउट द पीपल, फॉर द पीपल, वो लोग जिन्होंने माशरे में लोगों के लिए कोई रोल अदा किया हो, कुछ सिग्निफिकेंस पैदा की हो, कोई डिफरेंस पैदा किया हो। ऐसे लोग जो माशरे में नॉर्मल होते हैं, ये कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, ये कोई हीरोज नहीं है, लेकिन जेन्युइन और ट्रू हीरोज हैं अपनी कैपेसिटी में हर लिहाज से। और इस सिलसिले में बाकी बातें सीरीज के बारे में भी और हमारी पॉडकास्ट के बारे में भी और आज के एपिसोड के बारे में खासतौर पर बात होगी। सबसे पहले मैं अपने मेहमान से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, मेरी बड़ी मोहतबर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मौजूद सदा फुरकान, जो कि ये चीज़ वो बताएंगी ये चीज़ क्या है, कि मौजूद भी हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, फाउंडर ऑफ ये चीज़ एंड ओनर ऑफ ये चीज़। आइए सदफ से मिलते हैं। सदफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। गुड सदफ, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपने बारे में तारुफ कराइए, इससे पहले हम कुछ और बात करें। जी, मेरा नाम सदफ फुरकान है और आई एम बेसिकली अ कराची हाइट, यहीं पे पैदाइश हुई, यहीं पे सारी एजुकेशन हुई, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहीं पे शादी, कराची में ही बच्चे, फिर जॉब, बिजनेस, फैमिली, सब कुछ कराची का। सो यू आर फ्रॉम कराची एंड यू बोर्न एंड रेज्ड इन कराची, यू आर ट्रू कराची हाइट। बिल्कुल ट्रू कराची हाइट, जबरदस्त। बोर्न, ब्रेड, रेज्ड, मैरिड, एवरीथिंग। Where exactly सदफ कराची में किस जगह आपकी परवरिश हुई, कुछ इलाका या कुछ बताएंगे कि स्कूलिंग वगैरह जिस इलाके में हुई? जी, सो हम लोग एक्चुअली ब्रिज के उस पार थे, क्योंकि आपने जिक्र किया, मेरा पॉइंट ये था क्योंकि मैं भी ब्रिज के उस पार ही। बिल्कुल, सो हम ब्रिज के उस पार थे उस वक्त, और फेडरल बी एरिया ब्लॉक 6 जो वहां पे मेरी पैदाइश हुई, और वहीं पे ही बचपन गुजरा, उस वहाँ की गलियों में जो कि बहुत जबरदस्त, बहुत चौड़ी और बहुत ही ग्रीन हुआ करती थी। आपको पता है वो जो फेडरल बेरे की जो रोड है जो कि उस तरफ से आ रही है, आपका यूसुफ प्लाजा की तरफ से आ रही है एक तरफ से और उस तरफ जा रही है, वो रोड जो है वो सबसे चौड़ी रोड थी एक जमाने में। जी जी बिल्कुल, जो अभी हमारी डिफेंस की सड़कें हैं उसका कोई कंपैरिजन नहीं, जो वो जो नॉर्थ हैदराबाद की और उधर की। आपको एक और मैं बात बताता हूँ, अपने व्यूज को भी बताना चाहूंगा, सदफ आपके लिए भी इन्फॉर्मेशन होगी, वो ये कि जब ये जो नॉर्थ हैदराबाद जिस रोड का इन्होंने जिक्र किया, वो हैदरी से स्टार्ट होती है और वो आगे शखी हसन तक जाती है वो रोड, और वो रोड और ये जो फेडरल बी एरिया वाली रोड है जो कि अंचोली से इस तरफ से स्टार्ट होकर और ये मीना बाजार तक आती है, मुझे बताइएगा अगर मैं मेरी लैंडमार्क्स में कोई गलती है, तो ये वो रोड्स थी जब इस्लामाबाद हमारा कैपिटल बना अयूब खान के ज़माने में, तो उस इस्लामाबाद बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी और नायाब मशीनें इंपोर्ट की थी। इट वाज एक्चुअली फेडरल बी एरिया। जी, वो वहाँ तो सारे फेडरल एम्प्लॉयज रहे। Yes. Exactly. बनाया गया था। तो ये इसके लिए मशीन खरीदी गई उन रोड्स जो वो जो मशीन आई तो कराची पोर्ट पे लैंड की,
तो ये आया हुकुम कि इन मशीन्स को टेस्ट करने के लिए एक सैंपल रोड्स बना ली जाए। तो ये दो रोड्स बनाई गई उन मशीन से, और वो इतनी जबरदस्त रोड्स थी, आज तक वो हैं। तो और बाद में फिर वो इस्लामाबाद चली गई, और इस्लामाबाद जो शहर बनाया गया उन मशीनों से बनाया गया। कराची वहीं रह गया, कराची वहीं रह गया। और कराची तो खैर वो पुराने कराची की तो बात ही कुछ और, रोशनियों का शहर जिसको। तो फ्रेटेड एरिया इस तरफ एंड आई एम श्योर नॉर्थ नाज़ीमाबाद और आपके लिए तो मेन एरिया शॉपिंग का और जाने का वो है। हैदरी मार्केट में ऐसा था कि लोग मतलब वहाँ पे कुछ जो दुकानें थी वो फैमिलीज की ओन थी, और वहां पे मैं ये सुनती थी कि तुम तो इस दुकान पे ना खेलती थी, यू नो व्हेन यू वर एक साल की दो साल की। तो वहां से हुआ, फिर वो हम वहां बड़े हुए, फिर उसके बाद एक मेरे बच्चे भी उस तरह के, अब उनको याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन एक ही जनरेशन ने वहां पे शॉपिंग की है। जबरदस्त। आपको याद है वहां पर हैदरी में एक कॉर्नर पे एक लस्सी की दुकान होती थी, जान बहादुर लस्सी। एक्चुअली मैं लस्सी तो नहीं पीती थी, बट उसकी दूध की बोतल बहुत मजे की थी। बिल्कुल। आपको दुकान याद नहीं? याद कॉर्नर की, कॉर्नर के सामने। जी जी बिल्कुल। तो वो बड़ी मशहूर दुकान थी एक जमाने में, हम भी बचपन में वहाँ बड़े घूमे फिरे। एनीवे, तो वहां से फिर वे डिड योर जर्नी गो, एंड देन योर स्कूल और कॉलेज हो गया आपका उसके बाद? उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी, एंड देन इंगेजमेंट हो गई थी 18 साल की उम्र में, क्योंकि उस जमाने में ये था कि जी यू नो जल्दी जल्दी शादी हो जाए तो सब अच्छा रहता है। पुरानी बात हो गई है, लेकिन उस जमाने में के लिए बड़ी वैलिड बात थी। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि आपने पूरी पढ़ाई करनी है, एजुकेशन कंप्लीट करनी है, मास्टर्स करना है। सो इंगेजमेंट, एंड देन आई फिर यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, वहाँ से मैंने अपना अंडर ग्रेड किया, फिर मास्टर्स किया, MBA किया। तो श्योर यही थी कि कंप्लीट होगा तो उसके बाद ही शादी होगी। एक सेकंड, मैं यहाँ होल्ड करूंगा आपको। मुझे बताएं कि आप के जो फैमिली में कितने बहन भाई, और आपके फादर पेरेंट्स के बारे में जरा बताइए प्लीज। Okay. Yeah, आपके फादर क्या करते थे और बिकॉज आई द रीजन आई वॉन्ट टू नो एंड दिस फॉर व्यूअर्स ऑल्सो, बिकॉज जब मैं सदफ को देखा और सदफ को जो हम मेरी इनसे मुलाकात कह लें या जान पहचान कह लें, हमारे बच्चों के स्कूल एक सिमिलर थे, तो वहाँ इनको मैंने देखा था एज अ पेरेंट। तो मैं समझता हूँ कि जो इनकी एनर्जी थी एज अ मेडिटेशन मास्टर या एनर्जी वर्कर, तो मैं आज भी उसको रिलेट करता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं हमारे हमारे माशरे में या हमारे हल्के अहबाब में जो कि इतने पॉजिटिव वाइब्रेंट हो। कभी मैंने इनको इनके चेहरे पे ग्रिन नहीं देखी थी, इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट देखता था, चाहे वो एम्प्लॉय स्कूल के एम्प्लॉयज के लिए हो, बच्चों के लिए हो या को पेरेंट्स के लिए हो। तो दैट इज वाई आई आई फील दैट अपार्ट फ्रॉम योर वर्क और एनीथिंग एज एज अ पर्सन, वो कुदरत की तरफ से ये एक नेमत होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे मैं जरूर शेयर करूंगी कि मैं और मेरा भाई, हम दो ही बहन भाई हैं। भाई मुझसे छोटा है 4 साल, ही इज वेरी डियर टू मी एंड ही इज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट ऑल्सो। तो वो सारा के मेकअप अच्छा होना चाहिए, एवरीथिंग यू नो, एंड कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ। और मेरा ये था कि मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ और बहुत क्लोज थी। ही पास्ड अवे इन 2012, विच वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। सो पापा के साथ मेरा बहुत टाइम गुजरा अपना, और माय फादर वाज अ मर्चेंट नेवी कैप्टन, और उन्होंने सारी जिंदगी सेल किया। बट एक टाइम पे आके आती जब मैं 8 या 9 साल की थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे बच्चों के साथ उनके पास रहना है। तो फिर उन्होंने यहाँ पे 1985 में एक बिजनेस स्टार्ट किया था, एंड ही स्टेड इन कराची। सो मैं अपने फादर से बहुत ज्यादा क्लोज थी शुरू से, और हर जगह उनके साथ जाती थी, हर जगह उनके साथ, मतलब मैंने बखर में, सदर में, लियारी में, पता नहीं, मैंने हर जगह देखी हुई है उनकी वजह से, क्योंकि मैं उनके साथ हर जगह जाके मतलब उनके साथ जाती थी। शिप पे भी मैं उनके साथ, हाँ मैंने हमारे बचपन की बात है, वो आया था, हम लोग गए थे। लेकिन मैंने वैसे भी सेल किया हुआ है, बिकॉज व्हेन आई वाज 3-4 साल की थी, तो मेरी मम्मी ने काफी तकरीबन सारे कॉन्टिनेंट्स देखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, सारी पूरा हमने ट्रैवल किया था। बट मैं सब बहुत छोटी थी, लेकिन मेमोरीज हैं अभी भी बहुत सारी। और सो मैं पापा के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया अपने, तो मेरे पापा की पर्सनालिटी ना वो बहुत ज़बरदस्त थी। वो उस तरह के थे कि उनको दावतें करने का बहुत शौक था, उनको लोगों के साथ मिलने का बहुत शौक था, उनकी हर एक के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मतलब हर एक के साथ बहुत अच्छा खुश मिजाज थे।
तो आई थिंक एंड आई फील कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो उनकी वजह से ही ऐसी है, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत टाइम किया. जैसे कि हम अगर कहीं जा रहे हैं, उनको सदर में कोई काम है उस जमाने में, बिल्कुल, तो वो मैं साथ, अब मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करती थी, मैं गाड़ी में बैठ के उनका वेट कर रही होती थी. आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो 2 मिनट भी बोर हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त ना हमारे पास फोन था ना कुछ था. उस वक्त गाड़ियों में एसी भी नहीं होते क्या, होते थे बहुत कम, रेयर होते हैं. नहीं हाँ, लेकिन शायद उतना हमें फील भी नहीं होता था कि अगर एसी नहीं है तो शायद वो कोई हमारी मेमोरी में वो कोई प्रॉब्लम नहीं था कि अगर एसी नहीं था या हम गर्मी में थे तो वो उसने कभी उस तरह से बॉदर नहीं किया, क्योंकि हम तो बाहर खेलते थे, हम छतों पे खेलते थे, तो हम वो चीज इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं थी. सो आई थिंक मेरी जो लाइफ में जो मेरी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो मेरे फादर का है. दैट्स ग्रेट. एंड व्हाट अबाउट योर मदर? या अम्मी है, अम्मी भाई, उनकी और भाई की ज़रा बनती है. ओके, तो आपकी अम्मी के साथ ही बनती है, अम्मी सब भी आपके साथ? नहीं नहीं, अम्मी सक नहीं, अम्मी अगर सुनेंगी तो बहुत डांट पड़ेगी. और ये कि नहीं, अम्मी के साथ एक्चुअली हमारा बड़ा फैमिली का इक्वेशन बड़ा जबरदस्त था. तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर, अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा जो इन्होंने ये बात कही, ये बहुत सेंसिटिव बात है. एंड आई वुड लाइक टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस. 2011 में आई वाज इनवाइटेड एट शो फहद मुस्तफा का जागो पाकिस्तान, हम टीवी पे. एंड वहाँ पर मुझे और मेरी वाइफ को बुलाया गया, अदीला को, और हम लोग गए थे फॉर मॉडर्न पेरेंटिंग पे हम बात करते. वी वर रनिंग अ फोकस ग्रुप, इट वाज फोकस ग्रुप दैट वी वर रनिंग. उसमें ग्रुप थेरेपीज होती थी, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के साथ हम लोग चला रहे थे. तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रहा था. तो वो उस ग्रुप में हम गए, सॉरी उस मॉर्निंग शो पे गए, और मॉर्निंग शो पे हमसे सारी बातचीत हुई. उसमें एक बात फहद ने मुझसे पूछी और जो उसका मैंने जवाब दिया, और वो सवाल ये था कि और वो लाइव जा रहा था शो, और मॉर्निंग शो जैसे लाइव जाते हैं, तो सवाल ये था कि आपके पेरेंट्स में और आप में क्या फ़र्क है. तो मैंने ये कहा कि मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे साथ बहुत सख्ती की, और हमें बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलती थी, हमें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता. तो मैंने एग्जांपल दी कि मुझे एक साइकिल चाहिए थी, उस साइकिल के लिए मुझे 6 महीने तक जिद करनी पड़ी थी, और पता नहीं इतने मार्क्स इस सब्जेक्ट में लाओगे, ये करोगे वो करोगे, पता नहीं क्या क्या, और फिर जाकर वो 700 रुपये की साइकिल आई थी. और फिर मैंने कहा कि हमारे बच्चों को तो जो चीज़ चाहिए होती है हम बड़े आसानी से मिल जाती है. ये हो गया सारा कुछ, मैं बड़ा फ़ख्र से आया उस दिन, और अपने मेरे वालिद साहब हयात थे, मेरी मदर भी हयात थी, और जाकर मैं घर में बैठा तो मैंने देखा कोई मुझे शक्ल नहीं मिला रहा. मतलब मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा मेरा प्रोग्राम है टीवी पे, मेरा हाउस अपीयरेंट इन द टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम, नोबडी वाज टॉकिंग, माय सिस्टर कॉल्ड मी एंड कैरेक्टर, तो एंड शी सेड तुम्हें शर्म आनी चाहिए. मैंने कहा मैंने क्या किया भाई, मैंने कहा कि तुमने अबू अम्मी की बेइज्जती कर दी पूछी नेशनल टीवी पे. सो दिस इज ये हमारे माशरे का एक सेंसिटिव पॉइंट है कि माँ बाप नहीं बर्दाश्त कर सकते कि उनके बारे में कोई इस किस्म की बात की जाए. तो यकीनन आपकी मदर भी आपके साथ ऐसे नहीं होंगी. नहीं बिल्कुल भी नहीं, उनका मेरे रिलेशनशिप थोड़ा डिफरेंट है. जो पापा के साथ था तो आई वाज लेबल्ड बाप की बेटी, यू नो, तो वो मेरे ऊपर एक लेबल लगा हुआ था कि ये तो अपने बाप की ही बेटी है. सो बट आई एम टोटली प्राउड ऑफ दैट, अल्हम्दुलिल्लाह. सो और बट मुझे कोई इतनी वो नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं बहुत लाडली बेटी थी, और मैं उनकी भी शादी के काफ़ी अर्से के बाद मेरा यू नो आई वाज बॉर्न. तो जो भी मतलब मैं अपने फैमिली की, अपने मैटरनल पैटरनल दोनों फैमिलीज की काफ़ी लाडली और बहुत ही यू नो बहुत लाडली बेटी थी. तो मुझे इतनी कोई कोई चीज़ मांगने के लिए कोई वो नहीं, मार्क्स की कोई वो नहीं होती थी, जरूरत नहीं, लालच नहीं थी. सो ये था. तो फादर की डेथ से तो काफ़ी आपका मतलब डैमेज हुआ होगा, या फिर स्पेस जो वॉइड हुआ होगा उसका. एक्चुअली ये था कि व्हाई आई वुड से इट वाज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि माय दादा लिव्ड ओवर 90 इयर्स. सो आई हैड माशाल्लाह से, तो मैंने अपने ज़हन में एक बनाया हुआ था कि जब दादा 90 प्लस में गए तो पापा तो 85 से पहले तो कहीं जाना ही नहीं उन्होंने. एंड ऑल्सो बिकॉज ही वॉज वेरी एक्टिव, ही यूज टू वॉक एवरी डे, एक्टिव थे वो, आर्ट ऑफ लिविंग का भी हिस्सा थे एक टाइम पे. अच्छा जी. और वो काफी योगा, वॉक करना, काफी आर्ट ऑफ लिविंग का मैं भी हिस्सा रहा हूँ. जी मुझे पता है, इसीलिए मैंने जिक्र किया. मैं उसकी सारे कोर्सेज, एडवांस कोर्स और टीचर्स कोर्स और क्या क्या मैंने किया. जी जी. तो जी पापा भी उसमें काफी इन्वॉल्व थे, और वो रोज वॉक करते थे, और बहुत वो क्या वो मुरब्बे और वो माजून वगैरह, वो ताकत देने वाले चीजें खाते थे, और यूजली अपनी सेहत के बारे में केयरफुल थे. तो मुझे था कि पापा ने तो कहीं जाना ही नहीं है, मैं
मतलब एक मेरे जहन में एक था कि जी ही इज गोइंग टू स्टे देयर. तो जब सडनली उनकी तबीयत खराब हुई और सिर्फ 8 दिन में ही पास अवे, तो मुझे नहीं समझ में आया. शुरू का टाइम मुझे, मैं ये भी नहीं कहती थी कि ये अल्लाह की मर्जी थी, और मैं काफी नाराज थी अल्लाह ताला से कि ये आपने गलत किया है मेरे साथ. उनको अभी नहीं जाना था, तो बहुत टाइम तक मुझे रहा. और फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि ये जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो, एंड यू तो मैं थोड़ा सा उसको सही. फिर मैंने इवेंचुअली एक अपने पीस अपने अंदर लेकर आई और वो फिर हुआ. बट इट डिड इम्पैक्ट मी अ लॉट. और आई टेल दिस टू मेनी पीपल जिनका जिनके साथ ये रिसेंट होता है कि उनके कोई ना कोई एक पेरेंट उनको छोड़कर चला जाता है, कि उस वक्त मैंने एक्चुअली फील किया था कि जो दुनिया थी ना वो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट लगती थी. दिस इज वॉट आई एक्चुअली कलर्ड, मतलब मुझे लगा था कि ये शायद ना सब ब्लैक एंड व्हाइट होगी, और ये मैंने एक्चुअली फील किया था. सो ही वॉज दैट क्लोज टू मी. लेकिन सदफ, अगेन कमिंग बैक टू योर एनर्जी एंड पॉजिटिविटी, आई मस्ट से दैट माशाल्लाह से इट्स सो वाइब्रेंट. एंड अभी जब हम आए आज भी, तो सारा हमारा क्रू मेंबर्स और सारे लोग कह रहे थे कि माशाल्लाह से शी इज ग्रोइंग एंड शी हैज दैट एनर्जी, नेचुरल एनर्जी. सो दिस एनर्जी फादर का तो बिट हो गया, लेकिन आई एम श्योर इट हैज अ रोल ऑफ योर हस्बैंड एज वेल. जी बिल्कुल, जो है आपने सही कहा कि हस्बैंड के, मेरे केस में स्पेशली, उनके सपोर्ट के बगैर, उनके प्रेजेंस के बगैर, उनकी इनकरेजमेंट के बगैर शायद ये सब पॉसिबल नहीं होता. और उनकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल ऐसी ही है, और ग्रेट कंपनी टू बी विद. यू सी दैट ही इज लाइक अ फादर, लाइक योर फादर लाइक पर्सनालिटी. No, he's not like my father. He's not like, he does not have a personality like my father. He's different. But inki bhi jo company hai aur jo inki positivity hai, uski energy different hai. Okay. It's not like my father's. Okay. But I think log apni energy different tarike se radiate karte hain. To mere father ki different thi, inki jo hai wo different hai. But utni hi positive hai, utni hi encouraging hai, utni hi mujhe space di hai, tabhi ye sab possible tha. और क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का, मैं ख्याल मोर देन हाफ जो है उनके साथ ही स्पेंड किया, बिकॉज आई वाज ओनली 18 व्हेन आई गॉट एंगेज्ड. और अब जो है इंशाल्लाह ताला हम अपने सिल्वर जुबली की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह. सो तो मैंने एक लाइफ का बड़ा हिस्सा उनके साथ ही स्पेंड किया. तो आई थिंक द वे ही हैज ग्रूम्ड मी, जिसका वो क्रेडिट लेते हैं ऑल द टाइम, बिल्कुल लेते हैं, हर वक्त लेते हैं. और जिस तरह से मैं उनके साथ रह के मैच्योर हुई हूँ, मेरी थिंकिंग मैच्योर हुई है, और मैंने जिस तरह उनसे सीखा है, तो वो एक जबरदस्त मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. ये मेरे ख्याल से फॉर आवर व्यूअर्स आल्सो, आपका ये कहना और आपका ये बताना, ये इटसेल्फ इज अ टेस्टिमोनियल टू द फैक्ट दैट ही हैज गिवन यू दैट स्पेस एंड दैट एनर्जी एंड दैट अथॉरिटी to be able to achieve whatever you have achieved and to be able to live, jisko kehte hain muskurate hue positivity ke sath, this is very much empowering for any woman or even for men. So aap bahut khush naseeb hain allah is mamle mein, allah ke karam. Bol aap sahi keh rahe hain, kyunki agar main dekhu to jaise ki aapko pata hai ki main am a cyclist also, so main us pe aaunga, aap aayenge to wo is, या मे बी आप पहले वो क्वेश्चन कर लें साइकिलिंग का, था वहां से शुरू करेंगे तो इट विल ब्रिंग मोर. मुझे क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, आप प्लीज बताइए मुझे, आप सबको बताइए. मैं इनके बताने से पहले बताना चाहूंगा इसको कि अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स दैट सदफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट, जो सदफ की खसूसियात हैं उनमें साइकिलिंग इज अनदर वन विच आई हैड बीन नोटिसिंग एंड सीइंग दैट शी इज अ ग्रेट साइकिलिस्ट. इन्होंने बड़ी साइकिलें चलाई हैं, लंबी लंबी चलाई हैं, हम जैसे लोग तो शायद उनके पीछे भी नहीं चल सकते क्योंकि ये मैराथन साइकिल उसमें जाती रही हैं, और इन्होंने कॉम्पिटिशन भी जीते हुए बहुत अवार्ड. अब बताइए जी, व्हाट मेड यू कम इनटू साइकिलिंग? ओके, सो जब हम फेडरल बीयर की बात कर रहे थे, तो उस वक्त मैं उस वक्त भी मेंशन करना चाह रही थी, लेकिन तो निकल गया. तो मैं उस वक्त और मैं सबको शेयर करती हूँ अपनी स्टोरी कि मैं और मेरा भाई वहाँ पे बाहर रोड पे साइकिलिंग करते थे. उस जमाने में हर बच्चा करता था, लेकिन ये हुआ कि जब वो बच्चा 9-10 साल का हो गया, तो फिर दादा ने कहा कि बेटा तुम बहुत लंबी हो गई हो, अब तुम घर के अंदर साइकिल चलाओ. भाई तो बाहर करता रहा, लेकिन मुझे कहा गया कि अब
तुम घर के अंदर चलाओ, घर के अंदर फिर साइकिलिंग वो आप, हालांकि अभी हमारा बहुत बड़ा पोर्च और वो सब कुछ था लेकिन वो कभी नहीं होता तो वो फिर रह गई। फिर मेरे हस्बैंड ने साइकिलिंग स्टार्ट की आई थिंक बैक इन 2016 और वो साइकिलिंग करते थे तो उन्होंने मुझे कई दफा कहा कि तुम करो, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं चला सकती और मैं बहुत डरती थी। और फिर हमने एक अपने एक फैमिली ट्रिप पे गए 2017 में, तो वहां पे मैंने फर्स्ट टाइम जो है साइकिल चलाई। बैंकॉक से बहुत करीब ही एक छोटा सा मैन मेड टाइप एक आइलैंड है बांकचाओ करके, तो वो बैंकॉक का ग्रीन रंग कहलाता है, तो वहां पे मैं फर्स्ट टाइम गई और मैंने मतलब वहां पे फर्स्ट टाइम साइकिलिंग की समझे कोई 40 साल के बाद, तो नहीं 30 ईयर्स के बाद। और वहां पे फिर मुझे हुआ कि ओके, क्योंकि मैं समझती थी कि मैं भूल गई हूँ, मुझे नहीं आती और मैं नहीं चला सकती, बट मुझे हुआ कि नहीं मैं चला सकती हूँ। फिर हम वापस पाकिस्तान जब आए तो फिर उन्होंने मुझे लेके जाना शुरू किया, घर से गली तक मैं पहली दफा गई, फिर मोहल्ला क्रॉस किया, फिर दूसरे फेज में गए, फिर आगे तक, फिर फेज 8 तक पहुंचे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते, और वो मैं उनके साथ ही जाती थी। और फिर इस तरह हमने ग्रुप्स ज्वाइन किए, ग्रुप ज्वाइन किया, उसमें मैंने फिर जाना शुरू किया कि ये ग्रुप वो बाइकिस्तान वाला वहां पे हम अभी आते हैं। अच्छा। वो भी है, बट स्टार्ट मैंने किया था साइकोलॉजिस्ट एक ग्रुप है उनके साथ। ओके। वो जमजमा से शुरू करते हैं और अभी भी उनकी राइड होती है फॉर बिगनर्स, फॉर इजी पेस फाइट्स। सुबह 6-7 बजे तो बिल्कुल बिल्कुल वो टाइम वही है साइकिलिंग का। वो हमारी दोस्त थी शायद तुम्हारे में, अनिला करके, डॉक्टर अनिला। बिल्कुल 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 वो भी है वहाँ पे, और साइकोलॉजिस्ट जो है वो अभी भी उनकी है। मैंने वहां से स्टार्ट किया और उनके लोगों के साथ जाना शुरू किया, तो जब मैंने किया तो फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड लेजी हो गए। अच्छा। वो रोज रात को कहते थे कि मैं हम सुबह चलेंगे, और वो के सुबह उठ के नहीं मेरा मूड नहीं है, मैं तैयार होके बैठी होती थी और मैंने कहा अब क्या करूँ क्या करूँ, तो फिर और मुझे बहुत मजा आने लगा था साइकिलिंग करने में। फिर मैंने एक दिन हिम्मत की और अपने ड्राइवर से कहा कि चलो साइकिल लगाओ पीछे और हम अब चलते हैं। फिर उसने मेरे साथ ना उनके साथ में मैंने मेरे ड्राइवर, क्योंकि ज़ाहिर कोई हिम्मत नहीं थी, कोई डर बहुत था दिल में, तो फिर वो मेरे साथ साथ पीछे पीछे चलाते थे, मतलब गाड़ी में आते थे और मैं साइकिलिंग करती थी। फिर मैंने जूँ जब रोज शुरू की तो फिर वो काफ़ी अच्छा एक पेस बन गया, लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि ये तो अच्छी साइकिलिंग कर रही है, बड़ी फास्ट चला रही है। फिर एक कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग ग्रुप मैंने ज्वाइन किया जो कि टीम थी कराची की पहली साइकिलिंग टीम, दिस वाज 2019 या उसमें मैंने ज्वाइन किया, और पाकिस्तान उस वक्त उसका नाम था पाकिस्तान क्रैंक एलिट्स। जी शोएब निजामी की वो टीम और पाकिस्तान क्रैंक एडिक्ट्स के नाम से वो टीम थी, और उसको मैंने ज्वाइन किया और उसमें बहुत मजा आया। मैंने अपना पहला नेशनल्स किया 2019 में, मुझे उस वक्त नेशनल से कोई आइडिया नहीं था, बट नेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना, और उस वक्त मुझे स्टार्ट किए हुए मतलब ज्वाइन किए हुए 10 दिन ही हुए थे, सो वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद लोकल कॉम्पिटिशन बहुत हुए, उसमें विन भी किए, रनर अप भी रही, यू नो पोडियम पे भी रही, सो वो एक बहुत अच्छा एक टाइम था। और उसमें मेरे हस्बैंड ने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया है वो मतलब उनके बगैर शायद पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज हाँ फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने फिर खुद जाना शुरू किया। फिर एक टाइम पे इतनी आप खुद इतने पावरफुल हो जाते हैं कि नाउ देन आई मैं अपने घर से ही फेज 8 जा सकती थी ऑन माय ओन, यू नो। मैं ये नहीं कह रही कि लोग शुरू कर दें या खवातीन जाना शुरू कर दें, बिकॉज दैट इज एट योर ओन रिस्क, बिकॉज हमारे सिटी के हालात जो है वो एवरीडे डिफरेंट होते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे अंदर वो हिम्मत आ गई थी कि मैं अकेले ही निकल सकती थी। सो फिर वो साइकिलिंग वगैरह वो कॉम्पिटिशन और वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फास्ट पेस वाला एक था, क्योंकि उसमें सुबह शाम दिन रात में उसी में रहती थी कि कैसे खाना है कैसे सोना है, बिकॉज बींग अ कंपेरेटिव साइकिलिस्ट और बींग अ स्पोर्ट्स पर्सन आपकी जो लाइफ है वो उसी के रिवॉल्व घूम रही होती है। तो इसमें आपने जो अवार्ड जो कंपटीशन जीता वो कौन कौन सा जीता, कब जीता? ओके, सो कराची में बहुत सारे लोकल कॉम्पिटिशन होते हैं, एक
25 दिसंबर के मौके पे होते हैं, 6 सितंबर के मौके पे होते हैं. सो पूरे साल छोटे छोटे हमारे होते रहते हैं जिसमें लोकली पार्टिसिपेट करते हैं. सो उसमें एक आया चंडीगढ़ पे हुआ था, वो विन किया था. सॉरी, ये जो कॉम्पिटिशन थे क्या ये लेडीज वाली होते हैं, मैन वुमेन दोनों? नहीं, ये पूरे कॉम्पिटिशन होते हैं, मतलब ये कम्प्लीट होते हैं. इसमें अंडर 18 भी हो रहा होता है, उसमें एलीट हो रहा होता है जो कि अबव 23. आपने यानी कि खवातीन और मर्द हजरात में और बच्चों और बड़ों में, सो यू वन इन ऑल ऑफ देम? नहीं, ऐसा नहीं होता. हर एक की अपनी कैटेगरी होती है. आपकी अपनी? ऑफ कोर्स, आपकी की अपनी कैटेगरी है, अबव 18 वाली. आपकी कौन सी कैटेगरी थी? वो एलीट में आते हैं जो अबव 23 जो ग्रुप आता है ना, जो अंडर 23 के ग्रुप होता है उसके ऊपर पे जो होता है. तो उसमें आपने जीता? जी बिल्कुल. और वो क्या मैराथन क्या था? नहीं, वो रोड रेस होती थी. कितने किलोमीटर वो थी? वो रेसेस तो देखिए इतनी लंबी नहीं होती कराची में, तो वो यूजुअली लेडीज की होती है 20 से 25 किलोमीटर के. और 20 से 25 किलोमीटर कितने आसान, कितने आसान से कर दिया. हम जैसा बंदा तो 2 किलोमीटर में ही सज जाएगा. तो दिस इज नॉट, आप कह रही हैं 20 से 25 किलोमीटर, दिस इज अ लॉट ऑफ किलोमीटर. हाँ, मैक्सिमम जो जेंट्स की होती थी, जो मेंस में, वो मैक्सिमम 30 to 35 तक जाती थी. बट जाहिर है उस 20-25 किलोमीटर की ट्रेनिंग को रेस करने के लिए हमें 50-60 किलोमीटर एवरी डे ट्रेन करना. व्हाट इज द मैक्सिमम आपने किया? मैंने मैक्सिमम किया है 124 किलोमीटर. वाओ. हैदराबाद से? हैदराबाद से वापस आए थे. वाओ. व्यूअर्स सलाम. हैदराबाद पे साइकिल पे, तो हाउ आर योर फीट? आई मीन शिन्स कैसे, वर दे ऑलराइट? मतलब दर्द नरम? वो एक 124 की थी, वो बहुत काफी, इट वाज वेरी टायरिंग. लेकिन 50-55-60 किलोमीटर तो हमारी ट्रेनिंग होती ही थी ना ऑलमोस्ट एवरी डे. तो वो तो हमने हफ्ते में 3 to 4 तो करनी होती थी. क्योंकि अगर आपने दो हफ्ते में 2 दफा जो है आपने एंड्योरेंस करनी है, तो आप 50-60-70 किलोमीटर करेंगे. अब जो लोग ट्रेन कर रहे हैं वो 80-90 किलोमीटर की कर रहे होते हैं. सो क्योंकि अब ज़ाहिर टाइम हो जाता है, फिर आपके ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, आपकी ट्रेनिंग का यू नो पैरामीटर्स भी बढ़ जाते हैं. सो वो कोई टायरिंग था. इट वाज अ लॉन्ग डे, बट दैट वाज माय बर्थडे आल्सो. सो इट वाज लाइक, व्हेन इज योर बर्थडे? 29 दिसंबर. ओके, यू आर सजिटेरियस? नो, कैप्रिकॉर्न. ओके, जबरदस्त. बट साइकिलिंग में मैं तो अभी जैसे आपको जिक्र कर रहा था 700 रुपए की साइकिल, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था कि मेरे बच्चों ने भी इज्जत की जब छोटे थे, तो मुझे भी शौक हुआ साइकिल ला के. मैं तो उनको जाकर लाइट हाउस से साइकिल ला दी, अपनी भी ले ली. तो मेरे बेटी ने कहा कि उस वक्त शी वाज प्रॉब्ली 14-15 कि अब्बा दिस इज, ये क्या है ये साइकिल? तो मतलब यू नो शी लुक डाउन अपॉन इट एज इफ कि क्या कचरा लिया है. तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या करें? तो कह लेंगे कि वो फलाना फलाना स्टोर है, वहाँ चलते हैं. पाकिस्तान? जी पाकिस्तान. मेरे दोस्त का ही स्टोर था, शुएब का. तो हम चले गए तो देखने के लिए. तो मैंने कहा यार उस जमाने में तो उतने की एक अल्टो गाड़ी आ जाती थी जितने की एक साइकिल मिल रही थी वहाँ. अभी भी गाड़ी आती है एक साइकिल जी. अब तो वो 20-25 लाख की. तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी साइकिल कौन सी वाली थी जिसमें आपने जीता था, और आजकल आपके पास कौन कौन सी और कितने लाखों वाली साइकिल है? It's about the frame कि आप किस मटेरियल की साइकिल यूज कर रहे हैं. तो सर आप पे रेस नहीं हो सकती? सर आप पे दूसरे सौराब के साथ हो सकती है. मतलब आप डिपेंड कर रहे हैं ना कि जब अगर सारे लोग सौराब पे हैं देन इट्स अ फेयर कॉम्पिटिशन. बट ये नहीं हो सकता कि आधे लोग सौराब की टाइप की साइकिल पे हैं और आधे लोग जो हैं जो शोरीब की दुकान में जो पाकिस्तान में साइकिलें मिलती हैं वो वाली साइकिल पर. दैट्स नॉट, वो कंपेरिजन नहीं है. क्योंकि इक्विपमेंट जो है दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है. सो जो मेरी पहली साइकिल थी फरकान, मेरे हस्बैंड है, तो उन्होंने मुझे दिलाई. हाइब्रिड थी क्योंकि मैं डरती बहुत हूँ. और व्हेन यू से हाइब्रिड, कैन यू, बिकॉज़ हम हाइब्रिड गाड़ी तो होती है जो बिजली और पेट्रोल से दोनों से चलती है. हाइब्रिड साइकिल का क्या मतलब? ओके, हाइब्रिड साइकिल होती है जिसका हैंडल जो होता है वो स्ट्रेट होता है. थोड़े टायर मोटे होते हैं. थोड़ी सी भारी होती है. उसके बाद फिर हम आते हैं रोड साइकिल पे जिसके हैंडल्स, जो हैंडल बार होता है वो ऐसे कर्व होता है, थोड़ा स्लीक होता है. सो हैंडल बार का फिर फ्रेम आते हैं. फिर आप रोड बाइक में भी आप एल्युमिनियम से लेके कार्बन की भी वैरायटी ऑफ ग्रेडिंग है कि किस ग्रेड का कार्बन है. सो वो एक बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है और वो बाइक्स में आ जाती है. सो फिर मैंने इसके बाद रोड बाइक पे शिफ्ट किया. और इसके बाद फिर मेरी जो अभी करंट बाइक है जो कि विच इज लाइक माई फेवरेट, लाइक माई बेबी, वो है ट्रैक मेडोन. सो इट्स अ वेरी हाई ग्रेड कार्बन बाइक.
It's a beauty. Okay. I love it. It's a beauty. मैं वो जैसे आदमियों की दुल्हन होती है तो इनके oh, yes. औरतों की वो आपके लिए वो दुल्हन होती है. बिल्कुल वो मेरी इसमें आप उसको थोड़ी सी जान है. उसको साफ खुद करती हैं. मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे करना चाहिए लेकिन मैं नहीं. अच्छा. तो do you mind sharing the price of this bike? ओके सो मैं आपको बताती हूँ. सो बाइक्स बहुत महंगी होती हैं जो कार्बन बाइक स्पेशली. तो ये मैंने मंगाई थी यूके से और उस वक्त जो कोविड चल रहा था और उस वक्त जो मेरी साइजिंग के हिसाब से जो बाइक थी वो अवेलेबल नहीं थी. तो जो जो बाइक मुझे चाहिए थी वो उस वक्त भी तकरीबन 7,500-8,000 पाउंड्स की थी लेकिन वो मेरे लिए मेरे साइज में अवेलेबल नहीं थी. सो मुझे बहुत लकीली खुशकिस्मती से एज ऑलवेज ये उनका एक फैक्ट एक आउटलेट पीस रखा हुआ था जो कि मेरे साइज के और उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था. वो मुझे तकरीबन कोई 4-4.5 मैं ख्याल में शायद 5,000 यूरो में मिल गया था. या तो हमें तो कन्वर्जन का भी हिसाब नहीं रखना पड़ता पाउंड्स का खासतौर पर डॉलर्स का रखना पड़ता है. बट व्यूअर्स बाइक्स आर वेरी एक्सपेंसिव और जो कॉम्पिटिशन के लिए आपको तो जरूरी बिल्कुल हाई टेक बाइक्स चाहिए होती है. ना सिर्फ बाइक्स बल्कि आपका जो बाइकिंग का गियर होता है जो आप बिल्कुल बिल्कुल वो भी. सो मेरे पास एक पूरा स्टैंड है. अगर वो कभी कभी मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम देखो इसमें ये अगर तुम गिनना शुरू करो क्योंकि मुझे यू नो जब एक टाइम आया साइकिलिंग का तो वो एक टाइम था जहाँ पे आई थिंक मेरी सारी इन्वेस्टमेंट में जो भी मेरी परचेजिंग होती थी जो भी बाइंग थी वो सिर्फ साइकिलिंग में ही होती थी. उसकी कपड़े लेना उसकी उसकी जर्सीज लेना उसके ग्लव्स हैं मैचिंग ग्लव्स हैं मैचिंग सॉक्स हैं ये वो. तो वो एक एक जर्सी भी अगर अच्छा जर्सी भी हमारी नॉर्मल नहीं होती वो रेसिंग फिट वाली जी. सो वो और मजीद एक्सपेंसिव हो जाती है. तो ही वुड टेक मी के तुम ये देखो तुम्हारी जो लटके में है एक संडे की एक मंडे की ट्यूजडे की अगर इसका हम हिसाब लगाएं तो ये वो एक फिर फिगर कहते थे कि ये इतने की है. तो मैंने कहा अब यह बड़ा एंजॉय. सो लेकिन मैं इसमें ये जरूर कहूंगी कि जो वो एक्सपेंस था जो एक्सपेंडिचर था उससे आई वॉज गेटिंग अ लॉट. इट वॉज ऑल अबाउट माई हेल्थ इट वॉज अबाउट माई फिटनेस. आई वॉज एट माई फिटेस्ट वेन आई वॉज बींग अ कंपेरेटिव साइकिलिस्ट. और अभी मैं साइकिलिंग थोड़ी साइकिलिस्ट कम रखती हूँ शेफ ज्यादा लग रही होती हूँ आई थिंक बिकॉज सारा वक्त मेरा काम खेत किचन में होता है. लेकिन उस वक्त की फिटनेस वगैरह जो थी वो एक डिफरेंट लेवल की फिटनेस थी. जो मेरे जो स्टैटिस्टिक्स थे ऑन माय वॉच ऑन माय ऐप वो बिल्कुल डिफरेंट थे. अब दे आर अ बिट डिफरेंट बट आई विल गेट बैक इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बिफोर वी गो टू योर कलिनरी और बीइंग अ शेफ स्किल्स मुझे ये बताइए कि आप की जो एजुकेशन आप इंग्लैंड गई पढ़ने. नहीं नहीं बिल्कुल भी मैं बिल्कुल इंग्लैंड नहीं गई कहीं भी. आपने मास्टर्स किया है बैचलर्स. मैंने बिल्कुल पाकिस्तान से किया लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में अंडर जो ग्रेड था जो वो बीबीए ऑनर्स होता था 3 साल का और 1 साल का मास्टर्स था. तो पिछले कुछ सालों में अब 4 साल का अंडर ग्रेड और जी जी मास्टर्स. तो आपने आईबीएससी की. नहीं मैंने बिल्कुल भी आईबीएससी नहीं किया. आईबी का आई थिंक आई वॉज अ वेरी रिलैक्स्ड पर्सन एट दैट टाइम. तो मुझे बस ये था कि मुझे ग्रेजुएशन नहीं करनी थी और जहाँ भी एडमिशन हो जाए. तो मेरा हमदर्द यूनिवर्सिटी उस वक्त बिल्कुल हकीम साहब ने नहीं खोली थी और उसकी काफी अच्छी रेपुटेशन थी. तो मेरा ये तो हकीम मोहम्मद सईद से बिल्कुल बात कर रही हूँ जी. तो उनकी और उस जो फर्स्ट फ्यू बैचेस वर वेरी नाइस. उसके बाद फिर शायद पता नहीं वो स्टैंडर्ड रहा कि नहीं रहा. सो मेरा सेकंड बैच था और मेरा बस उसमें एडमिशन हुआ एंड देन आई डिड नॉट ट्राई फॉर एनीथिंग बिकॉज़ आई वाज वेरी हैप्पी देयर. दैट्स ग्रेट. या दैट्स ग्रेट. आप लोगों को व्यूअर्स पता है कि हकीम मोहम्मद सईद का जिक्र आया. आपको पता है उनका एक बचपन में हमारे बचपन में उनके दो रिसाले आते थे. वो काफी अभी भी आते हैं. नौनिहाल जी. नौनिहाल जी. सो ये बड़ा पॉपुलर थे बच्चों में और उसमें बड़ा जबरदस्त बच्चों के डाइजेस्ट जिसको कहते हैं बिल्कुल मैगजीन्स जी. और फिर वहां से मैंने मास्टर्स एक अपना किया था पूरा कंप्लीट और उसके बस फौरन बाद ही आई गॉट मैरिड. फिर उसके बाद मजीद फिर मैंने एजुकेशन भी आगे भी ली जब मेरा बेटा ग्रेड 1 में आया. सो उस वक्त क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में थी सो मैंने फिर उसके बाद मास्टर्स इन टीचर एजुकेशन किया फ्रॉम AKU. वो भी एक बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम था और मेरे ख्याल में जो मेरी पिछली पूरी 16 साल की पढ़ाई थी वो एक तरफ थी और ये मास्टर्स एक तरफ था. बिकॉज इट वॉज इंटरनेशनल लेवल का मास्टर्स और 2 साल इंटेंसिव बहुत ही इंटेंसिव कोर्स था और हमारे मतलब दिन रात
एकेयू में गुजरते थे और बट इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. मेरी एज अ मेरी पर्सनैलिटी की भी बहुत ज्यादा जो कहते हैं ना वो ग्रूमिंग और जो मैंने बहुत कुछ सीखा है वो वहां से भी सीखा है. अच्छा, उसके बाद आपने पढ़ाया था? मैंने एकेयू में भी आई वॉज पार्ट ऑफ फैकल्टी बिकॉज आई वॉज अपॉइंटेड एज टीचिंग. Yes, I was part of a faculty team. Yes. उसके बाद different schools वगैरह में और I mean फिर मैंने family business join किया वहाँ पे काफी अरसे रही और and then फिर मैंने 2016 के end में then I took a break because मैं I think अपनी शादी के 15 दिन के बाद से ही I started working. Okay. और मैंने हमेशा काम किया so कभी भी हाउस वाइफ की लाइफ एंजॉय नहीं की तो मुझे था कि नहीं अब मैंने कुछ ना एंजॉय करनी है लाइफ और बहुत काम हो गया. सो फिर मैंने कुछ अरसे का ब्रेक लिया. थोड़े दिनों बहुत मजा आया. कॉफी पार्टीज चलती रही. सुबह नाश्ते पे जा रहे हैं, दोपहर में लंच पे जा रहे हैं, शाम को ये हो रहा है, ये पार्टी हो रही है, वो हो रही है. बट शायद आई थिंक शुरू से वो एक काम करने का एक कुछ करने का था तो आई स्टार्टेड फीलिंग दैट समथिंग इन मी के कुछ करना है, क्या करना है. और जगहों पे कुछ काम किया बट somehow वो satisfaction नहीं मिली. Okay. Then ये चीज़ happened. And coming to ये चीज़, when exactly it happened? So what happened then? COVID happened. Or COVID start was, oh, my husband is a very creative person also. I'm not the creative person in the family, but he is very creative. So वो COVID में हमें बड़े खाने बनाए. मैं उस वक्त किचन में ceremonial जाती थी यू नो डांटने के लिए उसके लिए खाली स्टाफ को. सो मेरे हस्बैंड किचन में हम रोस्ट खा रहे होते थे. ही मेक्स एक्सलेंट जिंजर एल. ही यूज्ड टू मेक एक्सलेंट स्टफ. तो हमारी रोज पार्टी होती थी. वो कभी बर्गर्स बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं. सो ऐसे ही चीज उस वक्त आना बंद हो गई थी. बाहर से यू नो इशूज थे. सो ही वॉज लुकिंग फॉर चीज एंड देन ही सेड कि आई मेक सम चीज. मैंने कहा बना ले. सो वो उन्होंने चीज बनाने शुरू की. तो उसी उसमें बना कुछ रहे थे तो उसमें हलूमी चीज बन गई. तो वो हलूमी चीज बनी तो उन्होंने बनानी शुरू की. वो मेरी बेटी और जो उनकी मदर है मेरी मदर इन लॉ उनको फरगान के भाई ये हेल्दी है और ही हैज इनको जरूर खिलानी है. तो वो दोनों बड़े शौक से वो खाते थे. एक दिन मेरी साइकिलिंग फ्रेंड है कंजा. शी इज पाकिस्तान नंबर वन. यस, शी इज अ ग्रेट साइक्लिस्ट. सो वो आई एंड उसका ब्रॉटअप हमेशा से दुबई और मिडिल ईस्ट में रहा. सो शी केम एंड उसको फरकान ने टेस्ट कराया एंड शी सेड कि ये तो बिल्कुल वहां की जैसी है. मैंने कहा आर यू श्योर? यदि यस, आई हैव बीन रेज्ड इन सऊदी अरब एंड इट्स जस्ट लाइक दैट चीज. फिर मैंने और कुछ जाके मार्केट से चीज ली और कुछ लोगों को सैंपल्स दिए विदाउट नेमिंग और ए और बी करके. एंड देन somehow पीपल सेड कि ये वाला सैंपल तो बिल्कुल दोनों में कोई फर्क नहीं है और ये सैंपल बहुत अच्छा है. देन आई रियलाइज्ड ओके वी कैन डू समथिंग अबाउट इट. सो इट स्टार्टेड बिल्कुल हमारे किचन से स्टार्ट हुआ. हमारे पास एक स्पेयर किचन था अपस्टेयर्स तो वहां से हमने स्टार्ट किया और फरकान वॉज मेकिंग द चीज एंड आई वॉज द लाइक द फ्रंट मैन यू नो मार्केटिंग पर्सन. सो वो सारा करना और करते करते हलूमी जो है हमारी जो हमने फर्स्ट स्टार्ट की थी आई कैन क्लेम कि इट्स द बेस्ट हलूमी इन पाकिस्तान. एंड इट टुक मी अ व्हाइल टू अभी टेस्टिंग दैट टुडे. अभी आज वो फ्रेश बन रही थी. आज नहीं है बट आई विल सेंड इट. ओके. सो आज भी इट्स बीइंग प्रिपेयर्ड. सो वो इट्स वन ऑफ इट्स द बेस्ट इन हलूमी इन पाकिस्तान बिकॉज अब हमने सारी ट्राई कर ली एंड वी नो. व्यूअर्स, ये जो बात कर रही हैं बेस्ट इन पाकिस्तान, दिस इज द बेस्ट इन पाकिस्तान, आई कैन अश्योर यू दैट. और जो चीज़ की जो कहते हैं ना चीज़ पनीर की फाउंडर मौजिद ये हमारे साथ बैठी हैं. शी इज हियर फॉर सो मेनी रीजंस दैट बट दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस दैट शी इज हियर. तो ये चीज़ उर्दू का नाम बड़ा प्यारा नाम है कि ये चीज़ उर्दू. ये कराची में भी और पूरे पाकिस्तान में ये मुहावरा यूज होता है और वो मुहावरा इस वजह से यूज होता है क्योंकि मॉडर्न डे स्लैंग है जेन एक्स का या जेन मिलेनियल्स का जो मैंने सुना. और वो कहते हैं कि ये चीज़ यानी कि ऐसा होना चाहिए जबरदस्त एनीथिंग विच इज ग्रेट वो उसके लिए ये चीज कहा जाता है. बिल्कुल. तो व्हाट अ लवली नेम. या इट इज. सो आपने पूछा कि ये चीज का नाम कैसे. तो फरकान क्योंकि क्रिएटिव है फैमिली में तो मैंने उनसे कहा कि ये जो इसकी जिम्मेदारी है वो आपकी है एंड यू कम अप विद अ नेम फॉर दिस चीज दैट वी आर मेकिंग एट होम.
फिर उन्होंने ये चीज, हमने एक्चुअली ये चीज करना चाह रहे थे उर्दू में, जिसको अभी भी बहुत सारे लोग ये चीज कर देते हैं, लेकिन जब हमने इसको सर्च किया तो वो नाम हमें नहीं मिल सका, तो हमें उसको ये चीज करना पड़ा, विच इज YAYY चीज। सो इसका ये फायदा हुआ कि ये उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, तो ये मीन्स ये चीज एंड उर्दू में तो ये चीज तो है ही। सो ये इसलिए हमें ये चीज जो था ये दोनों लैंग्वेज में इट वर्क फॉर अस, तो लोग इसको उर्दू वाला भी समझते हैं और इंग्लिश वाला भी समझते हैं, तो हमारे लिए दोनों सही है। तो ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त नाम आ गया, ये चीज मतलब वंडरफुल। सो जी मैंने आपको बताया कि हमने हलूमी चीज से स्टार्ट किया, फिर लोगों ने कहा कि क्योंकि मेरे हस्बैंड इज द एक्चुअली इज अ चीज मेकर इन द फैमिली, सो ही वांटेड टू ट्राई कि और भी चीज को ट्राई करें। पाकिस्तान में आपको पता है ऐसा चीज नहीं बनती है, ऑर्गेनिक जो प्योर चीज होती है, हमारे पास जो मार्केट में चीज मिलती है जिसको हम ब्लॉक्स के फॉर्म में अपने पिज्जा और उसमें डालते हैं, दैट इज नॉट प्योर चीज, दैट इज बेसिकली मेड विद सैचुरेटेड फैट एंड ऑल ऑयल्स एंड ऑल, सो दैट बेसिकली हम ऑयल खा रहे होते हैं चीज के नाम पर। सो यहाँ पे इतनी ना ही उसकी चीजें अवेलेबल होती हैं और बहुत सारे जो उसके इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, पर काफी हम उस पर काम करते रहे, देन इवेंचुअली वी स्टार्टेड मेकिंग चेडर, जो ऑर्गेनिक चेडर, जैसे अगर आप बाहर ट्रेवल करें आपको बड़े बड़े व्हील्स नजर आते हैं जो मेच्योर्ड चीज होती है, फिर हम उसकी तरफ आए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो चेडर की दो वैरायटीज हैं मार्केट में, जो आपको इस वक्त डिफेंस के जो दो तीन जो बड़े स्टोर हैं जहाँ पे आपको सारी फ्रेश प्रोडक्ट्स मिलती हैं, फ्रेश बास्केट है, स्प्रिंग्स है, वहाँ पे आपको हर वक्त हमारी चीज मिलती है। एंड देन अब हम जो है अपनी जो गुड़ा चीज बनाते हैं, जो कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स उसको अपने बर्गर्स में यूज कर रहे हैं, बिकॉज दैट गिव्स अ वेरी ऑथेंटिक चीज का यू नो प्योर चीज का फ्लेवर, क्योंकि उसमें जो हम चीज बना रहे हैं वो इट्स प्योर, इट्स फ्री ऑफ एनी एडिटिव्स एनी प्रिजर्वेटिव्स। तो अगर आप इतनी भी खिलाते हैं अपने बच्चे को किसी को, तो वो जो आप दो तीन चीज के स्लाइस खिला रहे होते हैं ना, जो कि जिसको हम चीज कहते हैं, उस एक स्लाइस में उस चीज के बराबर की का न्यूट्रिशन और कैल्शियम होता है। इससे पहले और भी बना रहे थे कराची में? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल जिक्र करना चाहूंगी यहाँ पे कराची में कराचीज के नाम से चीज है जो बनाते हैं, और मैं खास तौर पे उनका थैंक यू करूंगी और उनको मैं ये पॉडकास्ट भेजूंगी भी, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। सो फुरकान ने उनसे कई दफा पूछा कि हमने उनसे अभी तक भी हम उनसे गाइडेंस लेते हैं कि किस तरह हमने अपने प्रोसेसेस जो हमारे हैं, जो हमारे चीजें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जो मेथड है कि हम कैसे प्रेस करना है क्या करना है, बिकॉज बहुत अरसे तक हम चेडर बना रहे थे लेकिन वो सही प्रेस नहीं होती थी, उसके इश्यूज आते थे। और आप देखिए एक वक्त में 150 लीटर आप दूध की अब जब चीज बनाते हैं और वो एंड में वो बनती ही नहीं है और वो कुछ अगले दिन वो यूं फैल गई और वो खराब, तो आपका यू नो, और खाली दूध नहीं है उसमें जो मेहनत होती है, क्योंकि चेडर चीज बनाने के लिए गुड़ा बनाने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे बंदे को खड़ा रहना पड़ता है, वो एक बहुत मेहनत वाला काम है। मेरे हस्बैंड ने शुरू में बहुत कोशिश की मुझे इधर लाने की, लेकिन मैंने बहुत क्लेवरली अपने आप को बचा लिया और मैं चीज मेकिंग से जबकि वो मैंने साइड लाइन ले ली। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, इट्स अ वेरी इट्स पेशेंस डिमांडिंग प्रोसेस, बहुत एक पेशेंस वाला होता है। सो जो कराची हमारा कराची का ब्रांड है जो अभी वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी सप्लाई करें, उन्होंने हमें बहुत हेल्प की। सो कराचीज एंड देन ये चीज आर टू लोकल ब्रांड्स विच आर डूइंग अमेजिंग। सो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि आपके बना ये चीज से पहले कराचीज ही बना था। जी लोकल, बाकी बाहर से आ रही थी, बाहर से आ रही थी। लाहौर में कराची की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब इस वक्त दो लोग बना रहे? जी, आप और कराची। जी, जो मेच्योर चीज में जो लोग काम कर रहे हैं। यस। तो आप लोगों का काफी अच्छा मतलब वो होगा वॉल्यूम? जी वॉल्यूम हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि बहुत वॉल्यूम है, क्योंकि अभी अवेयरनेस नहीं है इस चीज के बारे में लोगों को, जो स्लाइसेस वाली चीज होती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि जितनी ज्यादा चीज होगी उतना ज्यादा चीजी होगा, उतना ज्यादा मजे का होगा। कॉन्सेप्ट हमारा ये है ना कि ज्यादा होगा तो अच्छा होगा, कम होगा तो अच्छा नहीं होगा। सो लोग प्रेफर करते हैं कि वो बड़े बड़े बार्स हों, वो सस्ते मिल जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, बच्चों को ज्यादा बना के देनी है, तो इसकी मार्केट अभी उस तरह से डेवलप नहीं हुई है, लेकिन अवेयरनेस आ रही है।
आई हैव क्लाइंट जो कि रोज मुझसे हर, क्योंकि वो इतने इरेक्टेड हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज के, कि वो हर दो दिन के बाद हमसे चीज लेते हैं। मैं सॉरी आपको थोड़ा सा वो रोकूंगा यहाँ पर, ये जो चीज की बात कर रही हैं आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम अ चीज लवर, लेकिन मुझे तो इतना आपकी, मैंने नहीं खा अलग से या कभी वैसे चीज खाई हो जो अवेयरनेस की आप बात कर रही थी। सो नाउ दिस इज मेरे लिए एनलाइटमेंट है, एजुकेशन है कि जी आपकी चीज है, और कराची वाली बात भी, क्योंकि मैं तो बाहर की चीज ही मंगाई या खाई, अब मैं खाऊंगा। लेकिन क्योंकि मेरा आपके साथ जो रहा वो आपके प्लेटर्स का रहा, जिसपे मैं अभी मैं आने वाला हूँ, उससे पहले मैं सिर्फ आखिरी चीज पूछना चाहूंगा चीज से रिलेटेड अबाउट द मिल्क, ये जो दूध है ये आप लोग कौन सा और कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? हम लकी मिल्क का यूज करते हैं। अच्छा। हम भी यूज करते हैं, आई थिंक कराची भी वही यूज करता है। अच्छा। तो हमारा वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड वी गेट फ्रॉम देम। सो डू यू गेट द पैकेज्ड मिल्क और यस 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 नो वी यू कांट मेक चीज विद टेट्रा पैक, इट हैज टू बी प्योर मिल्क। तो टेट्रा पैक लकी फार्म से आता है? जी बिल्कुल, फार्म से आता है जी। ओके, तो जैसे एग्रो का है या लकी का है, वहाँ से वो आई थिंक और लोगों को भी करते हैं, क्योंकि जब हमने शुरू बनाने की तो हमने लोकल जो कुछ अच्छी शॉप से वहाँ से दूध लिया, लेकिन वो हर दिन का उनका पीएच लेवल डिफरेंट होता था। ओके, क्योंकि हमारी, क्योंकि चीज इज नॉट हमारे, इट्स नॉट आर हमारे रीजन का हिस्सा नहीं है ना, तो हम बनाते नहीं है, हम खाते नहीं है, सिर्फ इटली में। और जी बिल्कुल, सो हमारे जी हमारे काओ में भी जो है वो वाली फैट नहीं होता जो रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए जब लोग कहते हैं जी ये उसमें वो वाली चीज की बात नहीं है, तो वो हो ही नहीं सकती ना। इस तरह हमारे स्टेक्स में वैसी मार्बलिंग नजर नहीं आती आपको जो बाहर नजर आता है, बिल्कुल, क्योंकि वो मीठी नहीं है, वो कैटरी नहीं है। दैट्स द The lovely information, viewers, about the cheese. Now we will head towards the best part of this podcast, and that's what she is in my heart popular and everywhere else too. आप हमें देंगे ये नायाब अनमोल रतन जिसको कहेंगे, ये शाहकार देखिए आप, ये एक सैंपल है इनके प्लेटर का छोटा सा, ये इतना एक्सोटिक, इतना इसको तो एज ए डेकोरेशन पीस, सेंटरपीस। और मेरी जो इनके साथ एसोसिएशन, रीसेंट एसोसिएशन शुरू हुई, वो आज से 2020 में मैं फिल्म बना रहा था, मेरी बड़ी जबरदस्त फिल्म माशाल्लाह से 44 अवार्ड्स किए, और दिल देना मेरी फिल्म का नाम था, उस वक्त से उस फिल्म के लिए मैंने इनका प्लेटर यूज किया। और जब मैंने वो प्लेटर यूज किया, मेरे फिल्म के कोई 50-60 क्रू मेंबर्स थे, और जो मेन लीड थे, हीरो हीरोइन and everybody else including myself, we were fascinated. ek puri film ek taraf aur inka platter ek taraf, us platter ka koi 4 second ka ya 5 second ka scene tha, sirf ek maid ne wo platter leke aana hota hai aur rakhna hota hai, lekin hamare director ne kaha ki itna khoobsurat platter hai, is platter ko to aise nahi hum kar sakte ki sirf rakha hua dikha dein dur se, to we had to apna pura shot story board ko change karna pada ki wo लेकर आती है, मेड भी नहीं, हीरोइन लेकर आती है, और वो लेकर इस तरीके से, और उसने खुद कहा कि मैं खुद लेकर आऊंगी, हमने कहा तुम उठा लोगी, उसने कहा बड़ा प्लेटर था, वो लेकर आई और उसने पूरा उसको हमने दिखाया, उसको लाने से लेकर और जब तक वो रखती है, एक सजावट, इट वाज अ ह्यूज प्लेटर। ये तो बिल्कुल ही मिनी है, जी ये तो बिल्कुल मिनी है, बहुत ही तो इनके जबरदस्त प्लेटर्स होते हैं, सेवरी प्लेटर्स होते हैं, इनके डिजर्ट के प्लेटर्स होते हैं, और हर किस्म के प्लेटर्स होते हैं, तो वो प्लेटर्स की वजह से आई थिंक दैट्स हर मेन फोर्टे नाउ, एंड आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट इट। ओके, सो जब प्लेटर्स का हुआ तो इसमें भी मैं हमेशा लोगों को क्रेडिट देती हूँ, बिकॉज आई थिंक कि जो इसके पीछे लोग होते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंस उनकी होती है। सो हमारे मैं क्योंकि उस पर साइकिलिंग में बहुत सारे इन्वॉल्व थे, तो मेरे साइकिलिंग के एक फ्रेंड हैं मजरवाल जी उनका नाम है, सो ही आस्क्ड मी के सदर फ्यू आई एक मुझे अपनी किसी को भेजना है, आप बना दें कुछ। मैं कहा मजर भाई आई डोंट नो हाउ टू मेक इट, कैसे नहीं कुछ करें। सो मैंने अपनी एक बेकर फ्रेंड से उसका डब्बा लिया, और अपनी हमारे पास उस वक्त सिर्फ हलूमी चीज होती थी, हलूमी चीज के साथ जो कुछ भी मेरे समझ में आया, एंड आई जस्ट मेड इट। वो मेरा पहला प्लेटर, ही पेड मी 2000 फॉर दैट। देन अनदर, एक और मेरी जो फ्रेंड कंजार, उसके हस्बैंड ने मुझे ऑर्डर किया, एंड देन ही पेड मी 4000 फॉर दैट। अनदर फ्रेंड आस्क्ड मी कि मेरे लिए बनाओ, लेकिन मैं इसको प्रमोट करूंगा बट पे नहीं करूंगा। मैं कहा दैट्स ओके, एंड देन आई मेड इट फॉर हिम, उसने इसकी काफी वो की। सो
actually with those 6,000 rupees, I started. And then यहाँ पे भी बहुत inspiration है. कराची में already लोग पहले से platters कर रहे थे. एक बहुत मशहूर brand है Hot Oven by Sea. एंड उनके प्लेटर्स को मैं जब देखती थी मैं कहती थी यार क्या जबरदस्त चीज है, काश मैं भी कभी वैसा बना सकूं मे बी. बट देन आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि आई एम नॉट आर्टिस्टिक इनफ, और या मेरे अंदर वो सेंस नहीं है, मैं शायद नहीं क्रिएट कर सकती. ये मुझे सेल्फ डाउट था. तो आई वुड रियली वांट टू टॉक अबाउट, जब मैं कहती मैं डरती बहुत थी, तो मैं ये भी बहुत डरती थी कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी और नहीं होगा मुझसे. बट इट स्टार्टेड हैपनिंग एंड देन एक टाइम आया लोगों ने मुझे कहा कि your platters are a piece of art. They are. And then what something was manka, oh my god really. मैं जो कराची में जो मेरी इंस्पिरेशन थी चांदनी, उनसे जो Hot Oven by Sea उनका ब्रांड है बहुत जबरदस्त, उनसे मैं बड़ी इंस्पायर थी. तो मुझे पड़ा वो था कि ऐसा ना हो कि मेरे प्लेटर्स वैसे लगने लगे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोगों ने आके बोला कि सदफ क्या तुमने वहां अपना प्लेटर भेजा था. मैंने कहा यस. कहते यू नो आई वी सॉ योर प्लेटर एंड वी न्यू this is hadafs, this is ye cheez. And that was my biggest achievement, that I was able to create my own look. So my platters have my and also inka maine kabhi bhi inke us pe naam ya koi promotion nahi dekhi. Ha aur lekin uske bawajood maine inse kafi dafa ye platters mangaye apne ghar mein, jitni bhi meri gatherings ke liye ya apne liye bhi manga tha. Aur jitne logon ne aaye aur khaya unhone inka number le liya, aur wo log mujhe to aaj pata chala ki wo sab inse order bhi kar rahe hain bilkul, aur ki taarif bhi karte hain. So these platters are one of their own kind, and iske liye inhone na sirf you know cheezon ko rakhna, unko aesthetically artistically sajana, fir unke sath relevant sauces, fir unke sath relevant jo condiments hote hain ya everything ki kya kya cheeze honi chahiye. To ye sari cheeze aapne jaise ये कटोरी है या ये बोन्स है, इस किस्म की क्या बड़ी जबरदस्त इन्होंने कलेक्शन है पूरी जी बिल्कुल. और इसके मामले में बड़ी पोजेसिव नहीं है, मुझे फर्स्ट टाइम. तो इन्होंने कहा जी मैं प्लेटर तो पहुंचा रही हूँ लेकिन आपको कैसे चाहिए. मैं कहा जी जैसा आप देखा वैसे ही चाहिए. कहते कि वैसे चाहिए तो फिर आपको चीजें वापस करनी होंगी. मैं कहा जी जरूर कर देंगे. तो एक आध दफा इनकी चीजें जो है आगे पीछे भी हो गई लेकिन वो वापस सारी हुई, तो इनको सारी चीजें वापस चाहिए थी बिकॉज़ दे आर वेरी प्रिटी. ये आपने कहां से यही चाहिए सारी चीजें? ये एक्चुअली मैंने पिछले एक डेढ़ साल में दो साल में इनको जमा किया है और ये मेरा कलेक्शन है जो मुझे बहुत अजीज है. बिकॉज इसमें ये होता है कि मे बी इसमें बहुत सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव नहीं होंगी लेकिन फिर वो मिलती नहीं है. अगर जोड़ी नहीं मिलती या उसका सेट नहीं मिलता. जो यूजली मेरे तीन डिप्स होते हैं और वो तीनों का मैं कोशिश करती हूँ सेम हो, तो वो अगर एक आदमी किसी से आगे पीछे हो जाता है तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता. लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्लाइंट्स मेरे बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं और हमेशा वापस करते हैं. जबरदस्त बिल्कुल. दिस इज ये चीज का कमाल द प्लेटर्स. एंड लेट्स मूव अहेड. मुझे ये बताइए कि आपका रीसेंट एंडेवर मैंने देखा और जिसके बारे में मैं जानना भी चाहूंगा, थाई एडवेंचर, व्हाट इज इट? सो मैं अभी रिसेंटली थाईलैंड गई थी और वहां पे मैंने एक महीने का पूरा कोर्स किया है, प्रोफेशनल कुकिंग कोर्स, और इट्स ऑल ऑथेंटिक थाई कुकिंग. और अब मैंने फिर वापस आके जो है अपना थाई मेन्यू लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ जैस्मिन. जैस्मिन जैस्मिन बाय ये चीज. अच्छा, वो अलग ही इसका नाम है. आई डिडंट सी द नेम जैस्मिन. या बिकॉज ये चीज हर चीज को वो कर रहा होता है. सो यस यस, सो जैस्मिन बाय ये चीज. तो इसमें आप लोग आपने सारा थाई कुजीन? जी बिल्कुल, सब सब थाई एंड ऑथेंटिक थाई. इट्स नॉट द देसी काइंड ऑफ थाई. तो बिल्कुल ऑथेंटिक आपको फ्लेवर मिलेंगे बिकॉज हम हर चीज स्क्रैच से बनाते हैं फ्रॉम ऑल द पेस्ट एवरीथिंग. सो हर चीज जो है वो आपको बिल्कुल ही, अगर आपने थाईलैंड में खाया हुआ है तो आपको बिल्कुल वो मेरा खाना जो है थाई खाना वो आपको वापस बैंकॉक और थाईलैंड लेके जाएगा. जबरदस्त. इसमें आपका फोर्टे क्या होगा अगर वन वर टू ऑर्डर और आस्क कीजिए मुझे अपना बेस्ट बता दिए जी. सो इसमें जो सूप्स हैं टॉमियम टॉमियम विद श्रिंप वो बहुत मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डूइंग वेरी वेल. जो करीज हैं उसमें ग्रीन करी इज लाइक समवन जस्ट कॉल्ड मी क्वीन ऑफ ग्रीन करी ऑन वन ऑफ या आई वाज वेरी हैप्पी आई वोक अप टू दैट और वो बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था. सो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत जबरदस्त उसका रिस्पॉन्स है. लोग मतलब मुझे ये कहते हैं कि हमें खा के लगता है कि हमें थाईलैंड की याद आ गई. जबरदस्त. सो अच्छा मुझे ये बताइए सदफ मूविंग अहेड कि आपको
being an entrepreneur and launching this, कुछ difficulties आई काम करने में? काम करने में डिफिकल्टी तो मुझे ऐसा नहीं आई, लेकिन मुझे लोगों ने बहुत इनकरेज किया है. आई बीन वेरी ब्लेस्ड, आई बीन वेरी मतलब खास मेरे पर कोई वो है कि लोगों ने बहुत मेरी हेल्प की है. डिफिकल्टी मेरे ख्याल में सेंस में शायद हम अगर कहें, अगर नाम देना चाहें कि जब मैंने लोगों शुरू में काफ़ी, क्योंकि मैं जब मैंने ये प्लेटर स्टार्ट किया और फिर मुझे कुकिंग का शौक था, तो मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ पे काफ़ी मशहूर शेफ्स को भी जो कि रेस्टोरेंट के मेन्यू भी सेट करते हैं, उनको भी अप्रोच किया कि मैं सीखना चाहती हूँ और मैं मतलब मैं आपके पास बस काम करूँगी, क्योंकि मुझे काम करने का और एक्चुअल किचन में काम करने का शौक था. यानी मुझे लगे कहीं कोर्स नहीं करना था, मुझे एक्चुअल किचन में काम करने का शौक था, कि जो कि एक बिजी किचन होता है जिसमें गर्मी होती है, जिसमें वो होता है. सो बस वहां से कोई इनकरेजमेंट नहीं मिली, लेकिन ओवरऑल अच्छा रहा, ओवरऑल बहुत अच्छा रहा. अच्छा, now that you established, if I were to ask you what's the road ahead like, how do you see yourself 5 years from now in this field or 10 years from now? Okay, so what I really like to do and what I really enjoy is catering. मुझे केटरिंग में बहुत मजा आता है. मैंने अभी रिसेंटली भी पाकिस्तान में कराची में अमन कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान नेवी की, उसमें 400 लोगों की केटरिंग की थी, जिसमें 48 कंट्रीज के आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स आए थे. दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. सो मुझे केटरिंग बहुत अच्छा लगता है. मैं चाहती हूँ कि दैट इज वन थिंग, बट उससे ज्यादा मेरी ख्वाहिश है कि जो हमारी चीज है इट शुड बी इन एवरी रिटेल स्टोर. ओके, that's my point. Yes, okay, love that, that's amazing. Why so, not abroad also? Bilkul ji, bilkul, sky is the limit. Bilkul, aur start up UAE se kijiye, wo to badi market hai, cheese ki zabardast market hai, bahut zyada consume hoti hai. And I wish you all the best of the luck and Allah aapko kamyab kare. Acha, ab main aapse thode se mukhtalif sawalat puchna chahunga aur aapke karobar, sorry, aapki field, aapki एक्सपर्टीज, हमने आपकी साइकिलिंग पे बात की. छोटी सी बात, हाउ मेनी किड्स यू हैव? टू, माशाल्लाह. एंड कितने बड़े बच्चे हैं? बड़े बड़े बेटा मेरा माशाल्लाह 23 इयर्स का है और बेटी जो है वो शी इज टर्निंग 14 नेक्स्ट मंथ. मैं अपने व्यूज को बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कंसिडर किया जाता है कि कोई हीरो या कोई सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिशियन है या कोई फिल्मों का अदाकार है, ड्रामों का है, फैशन आइकॉन है, वही हीरो है. मेरी नज़र में हीरो या सेलिब्रिटी वो है जो माँ या बाप, जो आजकल के दौर में या किसी भी दौर में उसने बच्चों की परवरिश की हो, दो बच्चों को संभाला हो या पाल पोल से बड़ा किया हो. ये इटसेल्फ इज अ जॉब एंड इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन एंड सर्टिफिकेशन. सो मैं समझता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट फॉर रेजिंग टू चिल्ड्रन, बिकॉज हमारे यहाँ इस चीज को तो काम ही नहीं समझा जाता, हालांकि सबसे ज्यादा बड़ा काम ये होता है, बाकी काम बाद में आते हैं. तो यू फॉर मी एंड फॉर माई व्यूअर्स, यू आर द सेलिब्रिटी बाय ऑल मींस. अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताइए सदफ के, बीइंग सदफ फरकान, वुड यू कंसीडर योरसेल्फ एज एन अल्फा वुमन, और हैव यू एनीबॉडी हैज सेड दैट टू यू? हैव यू एवर फेल्ट दैट दैट एलिमेंट ऑफ प्राइड, नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे? आई डोंट थिंक माय पर्सनालिटी इज वेरी अल्फा टाइप, इज इट? आई डोंट नो. ओके, let me rephrase the term alpha. I would say a kamyab khatoon. Yeah, okay, so I think it is in maybe not in a very very out there kind of way, but whatever I have tried to do, I've always managed to do it. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, सो इट वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल एट दैट टाइम, एंड बट उसको आई टुक इट टू अ पॉइंट दैट इट बिकेम अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल एंटिटी. एंड देन उसके बाद फिर मैंने साइकिलिंग की, वो भी एक बहुत अच्छी उस पर की, एंड एंड आई ऑलवेज इनकरेज अदर्स. आई डोंट नो इफ इट्स मेकिंग सेंस. एंड जब हमने ये एक स्टार्ट किया तो ये भी एक, बिकॉज कोई भी चीज काम को करने के भी कंसिस्टेंसी, ड्राइव एंड मोटिवेटिंग अदर्स, दैट इज आल्सो बिकॉज यू नो लीडिंग अ टीम इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेंचर. ओके,
वंडरफुल. आपका स्ट्रगलिंग वुमन, वुमन ऑफ योर एज आर टाइम्स, हाउ डू यू सी इट एंड व्हाट डू यू हैव टू से टू देम? एनीबॉडी हु वांट्स टू फॉलो योर फुटस्टेप्स और फॉलो somebody else's footsteps but want to do something in life. So while I was in, I will just say, share a few things. While I was in Thailand and I was doing my course, so I started sharing my stories and my everyday. And then I did it for my own self, कि वो मेरे पास archive होता रहेगा. लेकिन the love I started getting from people and my people who follow me on Instagram, on Facebook, it was something very overwhelming because people were like, hey, the stories are so interesting. They are so real. They are so genuine. There is no made up. There is no filter. There is nothing. It's just you showing what you are going through. Then I posted a story which said something like that, ki, this journey is of a 46-year-old, you know, rediscovering new horizons, rediscovering a new field, or, you know, rediscovering herself. Us pe jis tarah se logon ne mujhe wo kiya na, aur itne logon ke mujhe messages aaye ki aapko dekh ke hame ho raha hai ki okay, hum bhi kuch kar sakte hain. Itni khawateen ki jo meri umar ke aas paas hain, you know, being 46, 47, 48, So, उन्होंने कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम सोचते हैं नहीं, अब तो बहुत लेट हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते. लेकिन आपको देख के हमें लग रहा है कि हम कर सकते हैं. मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसकी कोई एज नहीं होती. कभी कभी मुझे भी लगता है कि शायद थोड़ा लेट स्टार्ट किया, लेकिन एज इज जस्ट अ नंबर. सो जो कोई भी कुछ भी करना चाहता है वो जरूर कर सकता है, बस माइंड को सेट करने के बाद. जबरदस्त. एंड एनी मैसेज फॉर जनरेशन जी, यानी कि जो बच्चे इस वक्त 12-13 साल के हैं या 14-15 साल के हैं या 16-17 साल के हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? Respect your parents, they do a lot for you, and be a little grateful for what you have, and don't be so chill all the time. And sort of, do you think comparing our generation, generation X, into them, के are we, have we done, हमने, have we done it all right? Are we okay? I mean, in our progress, in your progress, as you see it yourself? I think our generation is, should be written, you know, a lot about in history, because हमारी generation ने कहाँ से जो technology का जो leap आया है in 20-30 सालों में, वो इतना पहले कभी भी नहीं आया. सो जो जिस तरह से हमारे जनरेशन ने अडेप्ट किया है कि हम बटन वाले टीवी से आज एक फोन पे या घड़ी में हमारे पास सब कुछ आ गया है. सो जिस तरह से हमने किया है वो शायद इससे पहले की जनरेशन ने उस तरह की मैसिव डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी और वो प्रोग्रेस नहीं देखी. तो आई थिंक वी शुड बी कमेंडेड एंड वी शुड बी लाइक, यू नो, हमारे बारे में तो हिस्ट्री में चैप्टर होना चाहिए. यू आर सो राइट, बिकॉज दे से दैट रेडियो को आते आते 200 साल लगे थे उस स्टीम इंजन के बाद से, उस जो ये टेक्नोलॉजी लीप थी पहले. उसके बाद टेलीविजन को आते आते 100 साल लगे और वो रहा. और उसके बाद जब टेलीविजन से हम आगे जाते हैं अपना मोबाइल फोन या उसमें, उसको 50-60 साल लगे एंड इंटरनेट तक. लेकिन उस दौरान जो अब तक जो चीज़ें आई और हो रही हैं, यानी कि हम मेरे ख्याल से 5th जनरेशन मोबाइल फोन्स में आ गए हैं या पता नहीं कितनी जनरेशन में आ गए और इंटरनेट की लीप. सो दिस हैज ऑल हैपेंड इन पास्ट 20 इयर्स. यस, एंड इट इज इनक्रेडिबल टू कोप अप विद ऑल दैट. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ यू नो. यस यस, टेम्परमेंट. इट डज, एनर्जी, एंड देन या अप्रोच, या एंड आल्सो टू कोप अप विद आवर चिल्ड्रन, बिकॉज़ द वे वी वर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. बिल्कुल, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप वी वर डिफरेंट. Things were changing, but not that. But now the generation is like, it's totally, it faces degrees ka difference. It's Sadaf, aapka business model, what is it like? As in, I know you have a grin on your face, probably your husband manages it. Yes. Main batane lagu ki aapka, how do you डिजाइन की जी कॉस्ट कितनी होगी, इस पे प्रॉफिट इतना है, इतने बिकेंगे नहीं बिकेंगे, या दिस इज समथिंग दैट योर हस्बैंड डज? No, he does. I'm very bad at that. Okay. And for cheese making, they do it. चले मैं और आसान कर देता हूँ. Are you making money? Okay. that's good. As long as you're making money, is it paying you off? Yes. So what I feel great about it, that
it's not that I am making money. I have a team now. Okay. So, unki bhi job lagi. Unki bhi job lagi. So when I hired my first team member, I felt great because I felt ki maine mere ek humne jo kaam shuru kiya usse khali हमारा नहीं बट और लोगों का भी घर चलने का तरीका जो है वो होगा. सो फिर जब मैंने टीम डेवलप करनी शुरू की तो उससे दैट इज समथिंग व्हिच जो मुझे बड़ी अपनी अचीवमेंट लगती है कि खाली मेरा नहीं लेकिन उससे और लोगों का भी फायदा हो रहा है. लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, लोगों को स्किल भी सीखने को मिली है बिकॉज जो मेरे पास आए वो बिल्कुल ही रॉ थे और अब वो जो है काफी स्किल्ड हो गए हैं अपने जो मेरा किचन वर्क है उसमें. That's a skill. If they go to a restaurant, they will be they have they have worked with DHGs for so many years. Absolutely. It will add value to their resume. Okay. So, do you have a वो बातें तेरी पे माँ मैंने जितने भी जब से भी बात की मैं दो चीजें जरूर पूछता हूँ. Do you have a favorite song or that you want to share, tell us or कुछ शेर याद है या कुछ शेर पसंद है आप? मैं ज़माने में बहुत शेर शायरी करती थी और बहुत पढ़ती बहुत थी और मुझे लगता है आपके वाले साहब योर फादर मस्ट हैव बीन इनटू पापा को शेर और शायरी का तो इतना शौक उनको समझ में नहीं आती थी. नहीं फिल्म्स फिल्म्स वगैरह भी वो आउटडोर्स ही काइंड ऑफ पर्सन थे बट मुझे बहुत शौक था. मैं काफी रोमांटिक किस्म की थी. फिर शादी हो जाती है तो फिर हालात शुरू के काफी डिफरेंट होते हैं तो वो सब रह जाते हैं. सो डू यू हैव अ फेवरेट मूवी और फेवरेट सॉन्ग और एनीथिंग लाइक दैट दैट Just tell us. And it kuch to hoga na, koi nahi. Haan, bahut saari hain. Is waqt mujhe kaafi Indian movies mujhe bahut pasand thi. आप भी वो गाने बहुत लगाते हैं. भी तो मैं पूछ रहा हूं वो सारे वो जो मुझे पसंद है ना वो आप अक्सर वो प्ले कर रहे होते हैं तो उसमें जो किशोर कुमार वगैरह के मैं जब मैं बल्कि 9-10 में थी तो मैं बहुत ज्यादा दिलीप कुमार की मूवीज के गाने सुनती थी. मैंने वो भी शेयर किए थे दिलीप कुमार मधुबाला की क्लिप थी वो. हाँ उससे पहले अब फिर मैंने मोहिमीना कुमारी के भी मैंने काफी जी चलते मैंने वो मूवीज तो इतनी देखी है लेकिन मैंने जब मैं 9th की छुट्टियां आई थी मेरे उसमें समर हॉलीडेज तो मैंने उसमें दिलीप कुमार के तकरीबन सारे मूवीज देखे थे. मुझे उस जमाने में उनके ऊपर क्रश हो गया था. आई नो ही वाज वेरी ओल्ड एट दैट टाइम बट ही वाज रियली गुड लुकिंग. वो जो उनकी अपनी मूवीज थी सो वो मैंने देखी तो मैं बहुत पुराने गाने जमाने में सुनती थी और मैंने कोई इंग्लिश गाने इतने नहीं सुने बड़े होते थे जो अब मुझे होता है कि शायद थोड़े बहुत सुनने चाहिए थे. तो मुझे कभी कभी ये वाले जो आप भी लगाते हैं वो मुझे वो शायद मेरे जो पुराने गाने हैं. सो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग एंड दिस इज आई एम ग्लैड दैट शी हैज अ फेवरेट सॉन्ग टू व्हिच इज कभी कभी मेरे द लिरिक्स आर एक्सट्रीमली रोमांटिक वेरी ब्यूटीफुल पोएट्री बाय साहिर जुहानवी जी और अमेजिंग मूवी. एवरीवन शुड वॉच दैट फिल्म. जो लोग जनरेशन एक्स के हैं उन्होंने सबने देखी होगी. जनरेशन जी वाले भी जरूर देखी. जाने से पहले सर कोई आप मैसेज या पैगाम देना चाहेंगी? एनीथिंग यू हैव टू से अबाउट वो बातें तेरी. मेरे ख्याल में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे आपने ये पॉडकास्ट शुरू की है बिकॉज इतनी जो आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और जो सारी चेंजेस और रैपिड डेवलपमेंट हो रही है उसमें हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंच गए. सो उस दौर को याद रखना है 70s को 80s को 90s को आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और क्योंकि जब हम जब भी वो पुराने गाने भी सुनते हैं या वो शेर व शायरी भी सुनते हैं तो वो एक हम एक अपने ट्रांस में चले जाते हैं. कभी कभी कराची जिमखाना में नाइट्स होती हैं जिसमें वो सिंगर आके वही उस दौर में गाने गाते हैं तो वो इतना हम इंजॉय करते हैं उस चीज को. सो अपना अपने बारे में शेयर करना और अगर कुछ लोग उससे इंस्पायर हो सके हमारी जर्नी से और सिर्फ हम बड़ों को नहीं अगर कुछ नौजवान नस्ल को भी इससे कोई लेसन मिल सकता है और अगर वो कुछ सीख सकते हैं जिंदगी की स्ट्रगल के बारे में जिंदगी में कुछ करने के बारे में और कि ना उम्मीद नहीं होना चाहिए हमेशा. एक चीज जिसपे मेरा बिलीफ है जिसपे मैं आज सुबह भी अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि दरवाजे हमेशा अल्लाह ताला कोई ना कोई खोल के रखता है. कभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं होते. इस एक चीज पे बिलीफ रखें तो यू कैन डू इट. सदाफ ने बड़ी अच्छी बात की और मैंने जब ये चैनल बनाया था 2020 में ऐसी शुगल में लोगों ने धक्का दिया दोस्तों यारों ने. कोविड का जमाना था कनाडा में मैं रह रहा था
तो बना दिया था। और उस वक्त मैंने एक बात की थी और वो बात आज सो मच एप्लीकेबल, जो इन्होंने भी बात की है उसको एंडोर्स करती है। वो बात ये थी, हाथ में डाले हाथ हम जो चले साथ तो दूर नहीं उजाले। तो उजाले वाकई में दूर नहीं, और आज हम उजालों में बैठे हैं माशाल्लाह से। और सदफ़ जैसे लोग हमारे हीरोज अगर इस माशरे में होंगे या रहेंगे या आते जाते रहेंगे तो ये माशरा यकीनन उजालों में रहेगा। और मैं इस नोट पे सदफ़ को दिल तो नहीं चाह रहा खुदा हाफिज़ करने का, बट जाने से पहले एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ, जो कि मैंने हमेशा से सोचा हुआ था कि जो लोग मेरे साथ आएंगे इस पॉडकास्ट में उनको मैं अपनी तरफ से पेश करूँगा। दूसरा, मैंने आप सबको ये बतानी है कि ये जो मकसद है इस पॉडकास्ट का, जैसे मैंने पहले कहा मेरे नज़र में हीरोज़ वो हैं जो रद्दी पेपर वाला भी है, बूट पॉलिश वाला भी है, मोची भी है, कोई पेरेंट भी है, वो ट्रू हीरो है, कोई म्यूजिशियन है, कोई स्ट्रगलिंग, नॉट नेसेसरली सक्सेस कैन नॉट बी मेजर्ड विथ हाउ मच फेम यू हैव और हाउ मच मनी यू हैव मेड। मेरी नज़र में सक्सेस वो है कि अगर आपने दो बच्चों को भी पाल कर दिया, एक बच्चे को भी पाल कर बड़ा कर दिया है, वो बहुत बड़ी सक्सेस है। माँ होना एक सक्सेस है, बाप होना एक सक्सेस है, इनको अहमियत देना बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि इन लोगों को अहमियत नहीं मिलती। हमें सलाम करना चाहिए, सलूट करना चाहिए। और मेरा मकसद ये इन लोगों को बुला कर बात करना और उन लोगों की बात को आर्काइव कर देना। आज अगर आप सोचें कि हमारे वालदैन या हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा नाना, बहुत सारे लोग जो दुनिया से चले गए, उनकी कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमने, हमें याद है, लेकिन हम वो आर्काइव नहीं, हमारे बच्चों को नहीं देख सकते। लेकिन आज जैसे हम ये चीज़ आर्काइव कर रहे हैं तो यूट्यूब पे एक लाइब्रेरी बनती जा रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो मे बी 10 साल बाद 20 साल बाद कोई ना कोई तो देखेगा और उससे फ़ायदा उठाएगा। ये बातें बड़ी सुनहरी बातें हैं और सुनहरे लोगों की बातें हैं। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, हमारी इस पॉडकास्ट को और आने वाली सीरीज को। ये पॉडकास्ट का स्टार्ट है और इसमें बहुत अच्छे लोग आने वाले हैं। सदफ़, आपके जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहूँगा। तो सदफ़, आपके लिए वो बात है, तेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू। अब आराम से पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त। संडे मॉर्निंग रीड।